नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट सुमित और आज बात करते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बुखार के बारे में, सामान्य बुखारों के बारे में और प्रकार के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर स्पेशली टाइफाइड आंत्रशोथ के बारे में आपको बताएंगे। आंत्रज्वर, टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया, जो टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, टाइफी हो, सेल्मोनेला टाइफी हो, वो हमारी आंतों में जाके बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंतों में धीरे 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 वो इन्फेक्शन फैलाता चला जाता है और इससे हमें हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम जैसे ही कमज़ोर होता है, व्यक्ति को बुखार आना शुरू हो जाता है। अगर व्यक्ति को इसका ट्रीटमेंट समय से मिल जाए तो व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। यदि समय से उस व्यक्ति का इलाज नहीं होता है तो वह व्यक्ति गंभीर समस्याएं हो सकती है, हाथों में स्राव हो सकता है और वो उनकी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, टाइफी, सालमोनेला और बैक्टीरिया विशेष रूप से हमें पानी, खाने पाने की चीज़ों से फैलता है और मक्खी के द्वारा, क्योंकि जो टाइफाइड वाला व्यक्ति होता है उसके स्टूल में टाइफी बैक्टीरिया होता है और उस स्टूल पे अगर मक्खी जाके बैठती है और वही व्यक्ति हमारे खाने पर जाके बैठ जाती है तो बैक्टीरिया को हम छोड़ देती है और हम उस खाने को खा लेते हैं, जिससे व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है। दोस्तों, रोग के लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है, हम आपको बताते हैं। सबसे मेन कारण, व्यक्ति बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गंदे संदे हाथों से खाना खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं, जैसे मिल जाए वैसा खाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से हम इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। लक्षण क्या हैं दोस्तों, टाइफाइड फीवर होने के लक्षण हैं, व्यक्ति को पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, सीने के नीचे रेजेस हो सकते हैं, तेज़ बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, बदन में दर्द बहुत सारा रहता है, सिर में दर्द होता है। समय से लें, बहुत ध्यान रखें। यदि बीमारी गंभीर होती है तो हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि इसका समय रहते ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, रोकथाम भी हैं। हमें टाइफाइड ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने बच्चों को, यानी आगे आने वाली जनरेशन को टाइफाइड ना हो, उनको वैक्सीनेटेड कराएं, जिससे उन्हें टाइफाइड बैक्टीरिया उनकी बॉडी में जाते ही मर जाए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उसके अकॉर्डिंग फास्ट हो जाता है। साफ पानी का प्रयोग करें, साफ खाना खाएं, खाने पीने की चीज़ों को ढक कर रखें, घर में पानी या कचरा एकत्रित ना होने में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, बीमारी से बचाव अच्छा होता है, इसलिए कोशिश करें कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी ध्यान से खाना पीना ठीक ठाक खिलाएं। दोस्तों, ट्रीटमेंट, रोकथाम, उपचार सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।